हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो 23 स्टूडेंट्स के लिए है जो कि निमसेट 23 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, निमसेट या सीयूटी या अदर एग्जाम्स। एक क्वेश्चन जो पिछले कई समय से मेरे पास आ रहा है कि सर अब बहुत कम टाइम बचा है, क्या करा जाए? सर अब 3 ही महीने बचे हैं, अब 4 ही महीने बचे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि 15 दिन बाद पूछोगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे या जिनके सेमिस्टर एग्जाम खत्म हुए हैं या जो सोचते हैं, जिनको लेट पता चला है कि 23 को हम क्रैक कर सकते कि नहीं, तो उन सब के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि आपका ये जब क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम अपना 100% दें, हम अपना 200% दें, तो क्या सिलेक्शन के चांस है? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप अपना 100% दें, 200% दें, उस पर क्या होगा वो तो बताता हूं, पर ये बात 100% पक्की है कि अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी अगर आपने एफर्ट नहीं डाले तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। पर यदि ईमानदारी से, अभी भी हमारे पास 3.5 मंथ से अगर मई में एग्जाम होता है और अगर सपोज जून में होता है तो 4 महीने, यानी 100 डेज से ज्यादा अभी भी टाइम है। तो मेरे पास आपके लिए पूरा प्रॉपर एक 100 डेज का प्लान है। यदि आपने ईमानदारी से अपना 100% या 200% जो आप बोलते हैं दे दिया, तो इस बात के चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर यदि आप केवल बोलते रहे, तो जैसे आपने इतना लेट कर ही लिया, देखिए कहीं ना कहीं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं लेट होने पे, पर उस पर हम बात करें, उससे अच्छा है कि आप जो बचा उस पर बात करें। तो यदि आप मान लीजिए अभी भी अपना 100% देते हैं, तो इस बात के चांसेस हैं कि आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और हमारा मेनली इस बार जो टारगेट होगा वो एक तो पहला हो गया निमसेट, दूसरा सीयूटी के थ्रू आप, क्योंकि बीएचयू भी मिलने लगा है, जेएनयू भी मिलने लगा है और डीयू के भी चांसेस हैं और भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। पर अगर हम निमसेट की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूटी में अच्छी रैंक लाना तो तय है, ये तो पक्की बात है। और ये भी पक्का है कि सीयूटी जून या जुलाई तक जा सकता है, यानी अभी भी सफिशियंट बोल सकते हैं या इनफ टाइम है, बशर्त है कि आप एक्शन ले लें। केवल सोचते रहेंगे तो आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर पूछेंगे, फिर 1 महीने बाद। और एक बात याद रखिए, मैं हमेशा उन लोगों को मानता हूं वो जो सो रहे हैं, जिनको सब पता है फिर भी जागने की कोशिश नहीं कर रहे। यानी अगर एक बच्चा मुझसे आज से 6 महीने पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अभी हमारे पास 10 महीने में कर सकता हूं कि नहीं, ऐसे भी मेरे पास बच्चों के मैसेज हैं, और वो आज भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहा। नहीं पता था, कोई बात नहीं, अभी सेमिस्टर खत्म होने आज सोचा, ठीक है। पर यदि अब भी जाग गए हो तो अब सो मत। सबसे ज्यादा मैं एक चीज गलत मानता हूं कि अगर आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है और उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन प्लान नहीं होता, तो समझ जाइए कि फिर आपकी सफलता के ऊपर डाउट होगा। आपने डिसाइड कर लिया, जैसे कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर अगर हम नेक्स्ट ईयर ही करें ड्रॉप लेके, मैं बोलता हूं बिल्कुल करो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके, पर ये अगले 4 महीने क्या करने का सोच रहे हो? सर अभी का कुछ नहीं पता। भाई ये 4 महीने जो 3 महीने बचे हैं, अगर इसमें आपने अपना 100% दिया तो ये होगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता ना हो, पर ये जो 3 महीने की मेहनत है वो अगले साल आपकी जीरो पे नहीं होगी, पहली चीज। और जो गलतियां आप इस साल करने वाले हैं कर देंगे, कम से कम नेक्स्ट ईयर तो वो नहीं करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर ही आपने पहली बार दिया और एक सिवा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्या आप उसके नेक्स्ट ईयर भी देने वाले? आज मैं देखूं तो इम्पिटस गुरुकुल में 24 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, 25 का भी, और कई सारे बैच हो गए और बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ सकते, जो आ सकते हैं क्लासरूम में। और वैसे तो मैं बोलता हूं, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल का ऑनलाइन क्लासेस और बाकी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। एक आपको एक्चुअल क्लास मिलती है, हर चीज कवर होती है, स्टडी मटेरियल होता है डिटेल में। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आप घर पर रह के पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन से अच्छा ऑप्शन है। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है और आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते तो क्लासरूम में आइए। अब बात आती है कि इन 100 दिन में कैसे पॉसिबल है, मिनिमम 100 डेज है, वैसे अभी कम से कम अगर मई के लास्ट वीक माने तो 110 से ऊपर डेज है, पर मैं आपको 100 दिन का एक प्रॉपर प्लान बताता हूं 100 डेज का। और जून में हुआ तो और ज्यादा, पर अभी हम मानते हैं कि मई के लास्ट 20 के बाद होगा ये एग्जाम, ये मान लेते हैं। तो कैसे करें? तो अभी हम लोग एक फास्ट ट्रैक 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई समय से इंक्वायरी थी कि सर अभी सेमिस्टर खत्म हुए, फास्ट ट्रैक आपने 1 पहले स्टार्ट कर दिया था, उस समय सेमिस्टर की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, या कई सारे सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं या जिन्होंने टेस्टिंग करी थी अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह, वो भी एक कमांड नहीं आ पा रहा टॉपिक पे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फास्ट ट्रैक 2 आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब फास्ट ट्रैक 2 को कैसे प्लान किया मैं बताता हूं। सब नंबर 1, ये 7 फरवरी से स्टार्ट होगा। अब 100 दिन को हम कैसे पॉसिबल है कि 200 या 250 दिन के बराबर करें, तो इसमें मैं आपको रेगुलर लगभग एवरीडे मान के चलिए, एक्सेप्ट
फ्राइडे सैटरडे थोड़ी कम करता हूं जिससे संडे टेस्ट में दें, आपको रेगुलर टू क्लासेस मिलेंगे और मोर देन 50% सिलेबस मैं आपको लाइव के साथ कवर करवाऊंगा। ये तो हुआ एक एंड, यानी 100 दिन में आपको अच्छे से डिटेल में क्लास लेके, नाम है फास्टेक, फास्टेक टू भी है, पर टॉपिक को धीरे धीरे करते हुए चलेंगे क्योंकि 100 डेज अभी भी है और मैं फरवरी से मार्च अप्रैल और मई के 10 तक ये मान के चलूंगा फास्टेक टू को रेगुलर क्लासेस दूंगा, लाइव क्लासेस, और फिर जब वो सीयूटी देंगे या वो सब तो वो अलग बात होगी। अब इन दिनों में मोर देन 50% जब मैं आपको दे रहा हूं लाइव, तो मोर देन 50% जो लाइव है वो तो आप लाइव में कवर कर लेंगे, पर आपको 50% सिलेबस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिया जाएगा। तो एक एंड पर धीरे 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 आप रिकॉर्डेड क्लास के टॉपिक जो मैं बताऊंगा वो देंगे, वो भी मैं गाइड करूंगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको सब करना है। इस तरह से हम दो एंड पे सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। देखिए एक बात सिंपल है, अगर हमारे पास 3 महीने का टाइम है तो हम 3 महीने को कैसे 6 या 9 महीने बनाएं ये समझिए। 3 मंथ्स को 6 मंथ बनाना डबल मेहनत कर दो, 9 मंथ बनाना ट्रिपल मेहनत कर दो। एक बच्चा जो 1 साल पहले से पढ़ना स्टार्ट किया उसके लिए 4 घंटे भी सफिशियंट है, पर अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 घंटे तो देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि 23 में रिजल्ट निकले। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक तो लाइव सेशन रेगुलर चलेंगे, इंक्लूडिंग आपको जो रिकॉर्डेड पोर्शन है वो आपको एक एंड पे एक फिक्स टाइम पे देखना रहेगा, जिससे कि आप डबल एंड से सिलेबस को कवर करेंगे तो टाइमली सिलेबस होगा। दूसरा, गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, वीकली फुल लेंथ टेस्ट, और इसके अलावा जो जो टॉपिक कवर होंगे उनके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। तो जो वीकली टेस्ट है वो तो ऑनलाइन में होगा और धीरे धीरे ऑनलाइन टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा, और इसके अलावा आपको जो कुछ टेस्ट है टॉपिक वाइज वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे। इस तरह से आप मई 10-15 तक अपने सिलेबस को ना केवल कवर कर लेंगे बल्कि टेस्टिंग भी कर लेंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊं, कल ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मेरा 40% सिलेबस बचा है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर रहा था, टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करूं या 3 महीने बाद। मैंने कहा एक आप करने को 3 महीने बाद नहीं, आप आखिरी 15 दिन पहले भी करो दिक्कत नहीं, पर एक चीज बताओ, आपने जो सिलेबस खत्म किया है या आप में से जितने लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये असेस किया है कि आपके सिलेबस खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं बट जब वो टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने मैथ सीख लिया है, पर जो क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच होती है प्रॉपर कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश को किस ऑर्डर में करना है, मूव कैसे करना है, यानी इतनी छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं जिन पे काम ही नहीं किया होता। और जब बच्चा ये सोचता है कि मैं आखिरी में जाके करूंगा तो इंप्रूवमेंट का टाइम खत्म हो जाता है। तो मैं ऐसे में बोलूंगा कि अगर आपके टॉपिक पे प्रॉपर कमांड नहीं आ रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फास्टेक टू ज्वाइन करें, 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपका टॉपिक पे परफेक्ट कमांड है और अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप मास्टर टेस्ट सीरीज या डी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका पूरा सिलेबस है तो मास्टर टेस्ट सीरीज करें क्योंकि उसमें सीधे मॉक पेपर मिलेंगे और उनके लाइव एनालिसिस मिलेंगे जो संडे को होंगे। और सपोज अगर आपके सिलेबस भी आपका अच्छे से कवर नहीं है, आप साथ में पढ़ते भी जा रहे हैं, तो आप डी टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, वो आप मुझसे बात करके भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक्शन लीजिए क्योंकि अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। और मैं एक चीज तो जरूर बोलूंगा, अगर आपने अपना असेसमेंट राइट टाइम पे नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाती है, इसलिए अभी भी मौका है, कोशिश करिए। और कोशिश करने पे दो चीजें तो पक्की, या तो सिलेक्शन होगा, नहीं भी हुआ तो इतना कुछ सीख लोगे कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर में 0 नहीं होगे और आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। इसके अलावा इस मेहनत से आप कहीं ना कहीं सीयूटी का भी अच्छा एक रिजल्ट दे सकते हैं जिसके थ्रू अच्छे कॉलेज मिले। यानी अभी अपने आप को मत छोड़िए, 23 के लिए अभी अपने पूरे पूरे एफर्ट लगाइए, जितना पॉजिटिव एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए। इम्पीटस गुरुकुल आपके साथ है, सपोर्ट में है, एवरी मंथ मैं आप लोगों को गाइड करता ही हूं। आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे फास्टेक ज्वाइन करें, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, बट बिना एफर्ट के अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे देंगे तो मैं कहूंगा फिर पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा। हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, एक प्रॉपर वे में आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, उसका आपको फायदा मिलता है, बट जो भी आपका डिसीजन हो एक्शन लीजिए। ये क्वेश्चन मत पूछिए कि सर 3 महीने में सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये जो 3 महीने है ना, इस 3 महीने इतनी मेहनत करिए कि आपको खुद ये जवाब मिल जाएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। पर अगर आप बिना मेहनत के क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका जवाब मैं बोलूंगा नो,
पर मेहनत करने के बाद पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि होगा कि नहीं, क्योंकि जब आप टेस्टिंग करेंगे, जब आप टेस्ट पेपर प्रॉपर देंगे, एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कम पढ़ें, अब स्मार्ट स्टडी का समय है, कम पढ़ें पर ऐसा पढ़ें जिससे अच्छा रिजल्ट दे पाएं, तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू।